आज मैं आपके लिए समोसा पफ की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो कि दिखने में जितना सुंदर है उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है। और अगर आपको ये समोसा पफ दिखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इस समोसा पफ को बनाने के लिए पहले हम यहाँ पर इसका डो रेडी करेंगे। और यहाँ पर इस डो को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है मैदा। मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा का इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आप यहाँ पर मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा डाल सकते हो। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। और बस फिर मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। और इसके बीच में हमें इस प्रकार का एक गड्ढा बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पर इस डो में थोड़ी सी अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर हम इसमें मोइन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आपके जो समोसे हैं वो एकदम ही क्रिस्पी बने तो फिर आप यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करें। लेकिन यदि आप चाहते हो कि ये जो समोसे हैं ये कचौड़ी की तरह खस्ता बने तो फिर आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल करिए। बाजार में तो हलवाई जो होते हैं वो वनस्पति घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एकदम ही क्रिस्पी क्रिस्पी समोसा पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है समोसे के अंदर वो होता है उसका डो। यदि आपने बहुत ज़्यादा मोइन डाल दिया तो फिर ये जो समोसे हैं ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन जाएंगे। और यदि आपने एकदम ही कम मोइन डाला तो फिर ये जो समोसे हैं ये बहुत ही हार्ड बनेंगे। तो मोइन की मात्रा यहाँ पर बहुत ही मायने रखती है। तो पहले मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया हुआ था। और अब यहाँ पर इस तेल को हम इस मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको एक बार इसमें मिक्स करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो मोइन है ये बराबर है या नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इस मैदा को ऐसे हाथों के बीच में रखकर ऐसे जोड़ना है। और अगर ये मैदा जो है वो अच्छे से जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोइन है ये बिल्कुल बराबर है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैदा है ये जुड़ नहीं पा रहा है, यानी कि ये टूट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा और तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल और डाला हुआ है। और इसको भी हम वापस इस मैदा में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पर इसको जोड़ रहा हूँ तो ये अच्छे से जुड़ पा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब इसमें मोइन बिल्कुल बराबर है। चलिए अब हमें यहाँ पर इसका डो रेडी करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पर गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको एक साथ सारा का सारा पानी ऐड नहीं करना है। आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इस डो को गूंथते रहिए, क्योंकि ये जो समोसा का डो होता है ना ये काफ़ी सख्त होता है। यहाँ पर अगर आपने बहुत सारा पानी डाल दिया तो ये जो समोसा पफ का डो है ये काफ़ी ढीला हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर समोसा पफ को फोल्ड करने में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालिए। जब ये डो इस प्रकार से एक साथ जुड़ जाए तब आपको इसको लगातार 5 मिनट के लिए मसलना है, ताकि इसके अंदर जो ग्लूटन है वो एक्टिवेट हो जाए और इस डो में एक अच्छे से लचक आ जाए। चलिए यहाँ पर मैंने इस डो को 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से मसल दिया है। और अब ये जो डो है ये रेडी हो चुका है। और ये जो डो है ये सब थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इस डो को एक गीले कपड़े से ढकेंगे और इस डो को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। और जब तक ये जो डो है रेस्ट करता है तब तक हम स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर इस बहुत ही बढ़िया से स्टफिंग को बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़ी चम्मच तेल डालना है। और फिर हम यहाँ पर इस तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पर इस पर डालना है 1/2 छोटी चम्मच क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। और अब हम यहाँ पर इस जीरा को अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। यहाँ पर जो समोसा पफ का हम नाश्ता बना रहे हैं ये खाने में इतना टेस्टी बनता है और दिखने में भी इतना अच्छा है ना, कि मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस समोसा पफ की रेसिपी को तुरंत ट्राई करोगे। जब जीरा में से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 1/2 छोटी चम्मच सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, जिसको हम वरियाली भी कहते हैं। यहाँ पर सौंफ का इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, लेकिन यदि आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप इसे यहाँ पर ज़रूर डालें। इसका बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। फिर मैंने यहाँ पर 5 से 6 कढ़ी पत्ता को इसमें तोड़कर ऐड किया है। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर डालना है 1/4 टीस्पून हींग यानी कि एसोफोटिडा, 1 बड़ी चम्मच अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट। यदि आपके पास ये पेस्ट ना हो तो आप अदरक को घिस कर और हरे मिर्च को एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके यहाँ पर डाल सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर इन सभी को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो अदरक और हरे मिर्च की पेस्ट का कच्चापन है वो चला जाए।
यहाँ पर 1 मिनट हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ मटर। मैंने यहाँ पर 1/4 कप मटर का इस्तेमाल किया हुआ है और इनको मैंने आलू के साथ साथ ही थोड़ा सा बॉईल करके रखा हुआ था। अब इन मटर को भी हम यहाँ पर 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की, तो पहले मैंने यहाँ पर इसमें डाला है 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि उतना तीखा नहीं होता। यदि आप ये नाश्ता अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर कम इस्तेमाल करें। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर और 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। यदि आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो फिर आप यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हो। और सबसे आखिर में हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। और बस हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन मसालों को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो चला जाए। यदि आपको यहाँ पर कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है तो वो भी आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हो। और काफ़ी सारे हलवाई यहाँ पर साबुत धनिया को क्रश करके इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहो तो उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। चले यहाँ पर जो मसाले हैं ये भी अच्छे से पक चुके हैं, तो अब बारी आती है इसमें बॉईल किए हुए आलू डालने की। तो मैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलूओं का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आलूओं को हमें यहाँ पर इसमें मैश करते हुए डालते जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो आलू है ये गरम गरम नहीं होने चाहिए। आलूओं को उबालने के बाद आप उसको पूरी तरीके से ठंडा होने दें और उसी के बाद आप आलूओं को इस्तेमाल करिए। यदि आलू गरम गरम होंगे तो फिर आपका ये जो स्टफिंग है ये बहुत ही चिपचिपा बनेगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी आलू का स्टफिंग बनाते हो तो यहाँ पर ठंडे आलू का ही इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर एक मैशर की सहायता से मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स और मैश कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर हमारा ये बहुत ही टेस्टी सा आलू का स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। तब सबसे आखिर में हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया। चलिए यहाँ पर जो आलू का स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है, तब हम यहाँ पर स्टफिंग को पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर डो को भी रेस्ट किए हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुकी है, तो अब आपको यहाँ पर इस डो को वापस 1-2 मिनट के लिए मसलना है। और अब हम यहाँ पर इस डो में से मीडियम साइज के बॉल्स रेडी करेंगे। अब ये जो डो है ये काफ़ी सख्त है, इस वजह से इस डो के अंदर काफ़ी सारे क्रैक्स आएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसको गोल शेप देना है ताकि इसमें क्रैक्स ना आ पाए। चलिए यहाँ पर ये बॉल बनकर रेडी हो चुका है और इसी तरह आपको बाकी सारे बॉल्स को भी बनाकर रेडी करना है। लेकिन आप जितने भी बॉल्स बना रहे हो सके तो उनकी साइज़ को सेम ही रखें ताकि जो समोसा पफ हम बनाएंगे वो सभी एक समान दिखे। चलिए अब यहाँ पर एक चकले के ऊपर या फिर किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर आपको इस डो को रखना है और इसको बेलना है। आमतौर पर जब हम समोसा को बनाते हैं तब हम यहाँ पर इस डो को थोड़ा सा मोटा बेलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस समोसा पफ को बनाने के लिए आपको इस डो को थोड़ा सा पतला बेलना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैंने इस डो को बेल लिया है और इसको आपको इस तरह से लंबा बेलना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें से हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, तो ये जो साइड के किनारे हैं इनको आप एक बार कट कर लीजिए और जो किनारे हमने कट किए हुए हैं इसको आप वापस इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं आपको यहाँ पर समोसा पफ को फोल्ड करने की टेक्निक दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसको फोल्ड करने के लिए आपको इसके किसी भी एक कोने को अंदर की तरफ लेकर आना है, यानी कि जो हम आलू का स्टफिंग डालेंगे वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आलू का स्टफिंग यहाँ पर डाला हुआ है। बहुत ज़्यादा भी स्टफिंग यहाँ पर मत भरिएगा वरना फिर आपको इसको फोल्ड करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अब आपको यहाँ पर इस डो के चारों तरफ पानी लगाना है। बहुत ज़्यादा भी पानी का इस्तेमाल मत करिएगा वरना ये बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो डो है ये अच्छे से चिपक जाए और तेल में फ्राई करते समय ये खुल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके चारों बाजू पानी को लगा लिया है और अब हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे। और फिर इसको फोल्ड करने के बाद इसकी ये जो दोनों साइड्स है इसको आपको अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। अब यहाँ पर एक चाकू की सहायता से इसमें हमें इस प्रकार से कट्स लगाने हैं। आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन कट्स को लगाना है और ये जो डो की साइड्स है यहाँ पर आपको कट नहीं लगाना है। अब जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको उसको फोल्ड करना है, यानी कि इसकी एक साइड को हमें इसकी दूसरी तरफ लेकर जाना है और इसको भी हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये बंद हो जाए। और सबसे आखिर में हमें ये वाली साइड को उठाकर इसके ऊपर रखना है और फिर इसकी साइड्स को आप वापस एक बार प्रेस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। लीजिए यहाँ पर ये समोसा पफ की डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। ये दिखने में जितना सुंदर लगता है ना उतना ही ये बनाने में आसान भी है।
शुरू शुरू में इस प्रकार से समोसा पफ को फोल्ड करने में शायद सबको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक दो समोसा पफ को फोल्ड करने के बाद आप बाकी सारे समोसा पफ को बहुत ही आसानी से बना सकोगे। तो अब बारी आती है इनको फ्राई करने की, और इनको फ्राई कैसे करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि आप इनको ठीक तरीके से फ्राई नहीं करोगे तो ये दिखने में उतने सुंदर नहीं लगेंगे और खाने में भी ये काफ़ी ऑयली बन सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपका जो तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि आपका तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप इसमें समोसा पफ डालोगे तो ये फटाफट से ब्राउन होते जाएंगे और इन समोसा पफ के ऊपर पिंपल्स आ जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे जिससे कि इसका जो लुक है वो काफ़ी बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका तेल का तापमान है वो एकदम ही ठंडा होना चाहिए। तो तेल के तापमान को चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा डो यहाँ पर डालेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो डो है ये तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो तेल है ये उतना गर्म नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इसमें एक करके ये समोसा पफ को इसमें ऐड करते जाएंगे। आपकी कढ़ाई में जितने समोसे पफ आ सकते हैं उतने आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हो। अब आपको यहाँ पर इन समोसा पफ को स्लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। इनको अच्छी तरीके से फ्राई करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकती है, तो बीच बीच में आप इसको पलटते भी रहिएगा। यदि आप यहाँ पर इन समोसा पफ को फ्राई नहीं करना चाहते तो फिर आप यहाँ पर इसको एक एयर फ्रायर में भी बना सकते हो या फिर इनको बेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इनको बेक करने के लिए आप इसको एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करिए। चलिए यहाँ पर जो समोसा पफ्स है ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया सा कलर भी आ चुका है इसके ऊपर। तो अब हम यहाँ पर इनको बाहर निकाल लेंगे। इनको आप एक टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर एक गर्मा गर्म समोसा पफ बनकर रेडी हो चुके हैं। ये दिखने में जितने सुंदर है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी बनते हैं।